उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। साइबर सेल ने रेलवे में नौकरी का झांसा देकर बेरोजगारों से ठगी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। साइबर सेल की पुलिस टीम ने इस मामले में नई दिल्ली के रहने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस की माने तो अन्नपूर्णा कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर कंपनी रेलवे समेत अन्य विभागों में मैन पावर की सप्लाई का काम करती है, जिसकी आड़ में ये बेरोजगारों से विभाग में नौकरी दिलाए जाने के नाम पर ठगी का काम कर रही थी। रेलवे में नौकरी देने के बीच में सिक्योरिटी के नाम पर धन उगाही की जाती थी। आरोपी और उसके साथी जो दिल्ली में रहते हैं, वो पिछले काफी समय से इस ठगी का कारोबार करते थे। फिलहाल पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस गिरोह के अन्य साथियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक व्यक्ति है विपिन शुक्ला, जो रेलवे या अन्य विभागों में मैन पावर सप्लाई का काम करता है, और इसने कंपनी या अन्य जगहों पे लोगों को भेजने के बदले में पैसे लेता है, और इसके द्वारा आगे फिर इसमें धन उगाही शुरू कर दी गई। इस मामले में मुकदमा कायम किया गया। इसके और भी साथी हैं, जो बताया गया कि कहीं दिल्ली और बाहर निवास करते हैं। पूछताछ से पता चला कि इसी के नाम पे लोगों से ये पैसा ले लेता है। इसके पास से फर्जी आईडी कार्ड मिला, जिसको विजिलेंस या अन्य कहीं का बता रहा है, मोबाइल फोन मिला है। कैमरामैन शैलेंद्र शर्मा के साथ अंकुश पाल, जनमत न्यूज़।